बहुत ही शानदार मौसम है अपने चैनल का। ये देखो मुझसे छुपा रही है, फिर मैं दूर हट जाता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं शुभम चौधरी सीकरी कैंडल से, और सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ये है हमारी ऐना। और ऐना ने आज 60 डेज कंप्लीट हो गए और इसने डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, और फीमेल ने एक पप्पी को डिलीवर कर दिया है जो कि मेल पप्पी है गोल्डन कलर का। और जैसे ही हमने फीमेल को देखा तो हमने सारी चीज़ों की तैयारी रख ली है। एक बॉक्स में अखबार फाड़ रखे हैं, उसके साथ हमने शहद, थ्रेड और ब्लेड रखा हुआ है। वेस्टेज के लिए अलग से एक बाउल रखा हुआ है, जो भी वेस्टेज होगी हम बच्चे के साथ आएगी हम उसे साफ़ करके साइड में रखेंगे। और फीमेल ने डिलीवरी स्टार्ट कर रखी है, फीमेल को नीचे मैट डाला हुआ है, ठंड का मौसम है ताकि फीमेल नीचे ठंड महसूस ना करे। और बाकी हमने सारा अपने डिलीवरी रूम को खाली छोड़ा हुआ है, ये हमारा डिलीवरी रूम है। ये हमारी ऐना बैठी है, फीमेल को फ्री छोड़ा हुआ है, कोई केज वेज में नहीं रखा हुआ है ताकि फीमेल अच्छे से इधर उधर घूम सके। और जो फर्स्ट पप्पी आया था फीमेल ने हमारे से पहले ही डिलीवर कर रखा था, और अभी देखते हैं फीमेल नेक्स्ट फीटस कब डिलीवर करती है। फीमेल कंटिन्यूस पुश कर रही है ऐना, तो वेट करते हैं। इसी के साथ बने रहना वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि हौसला बजाई करते रहना, ताकि हम लगातार डेली न्यू अपडेट की वीडियो आपके सामने लेकर आते रहे। धन्यवाद। और ये लगता है हमारा सेकंड फीटस भी डिलीवर हो गया है, और ये भी सेकंड मेल पप्पी है। ओए ऐना बेटा, दूर 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 दूर, ये सेकंड मेल पप्पी है। ओए ये देखो देखो देखो, बच्चे के लिए कितना कर रही है, फिर भी हम इसको दे देते हैं, ये होती है केयर। ये देखो बच्चे को उठा के ले गई है फीमेल, और इसको खुद से साफ करेगी। हमारी सभी फीमेल भगवान की दया से वेल ट्रेंड है, इसने पहले बच्चे को ऐसे ही, अगर जो मैं ना भी हूँ तो ये बच्चे को पूरा टोटली डिलीवर करके साफ करके अपने दूध पे लगा के रखेंगी। ये देखो मेरे से छुपा रही है, फिर मैं दूर हट जाता हूँ ताकि फीमेल को परेशानी ना हो। अभी बच्चे को आराम से साफ करेगी है ना। और ये भी सेकंड नंबर मेल पप्पी है, फर्स्ट भी मेल पप्पी दिया है फीमेल ने, जो कि हमने बॉक्स में रखा हुआ है थोड़ा कि ताकि फीमेल को परेशानी ना हो पप्पी को डिलीवर करते हुए। जब मदर अपना पूरा बच्चा साफ़ कर लेगी फिर हम साइड में बच्चे को करके इसको शहद वगैरह देंगे और फिर माँ के दूध पे लगाएंगे। इस सेकंड पप्पी फीमेल ने मेल पप्पी को डिलीवर किया है, साइज़ पप्पी का आप देख ही पा रहे हो, फुल लेंथ में पप्पी है। और अभी बच्चे को हमने साफ़ कर दिया है, पहले मदर को दिया था साफ़ करने के लिए, अब इसको हम शहद दे के बच्चे को और माँ के दूध पे लगाएंगे। पहले थोड़ा सा साफ कर देते हैं नीचे से, बच्चे को रख देते हैं हम बॉक्स में। और ये हमारा फर्स्ट वन मेल पप्पी है और वो सेकंड वन मेल पप्पी है। हमने दोनों मेल पप्पी को फीमेल को दे दिया है, अभी मदर फीडिंग पिन को लगा दिया है हमने, और देख लो ये होता है माँ का प्यार। मतलब बच्चों को हमारी तसल्ली नहीं है, खुद से साफ करना है इसको। बाकी करते हैं वेट, इस बार लीटर साइज़ फीमेल का क्या रहता है, हर बार हमारे पास 6 पप्पी का लीटर साइज़ रहता है ना का। एक टाइम इसने 7 बच्चों को डिलीवर भी किया है, इस टाइम देखते हैं क्या साइज़ रहता है। और फीमेल ने 2 फीटस को डिलीवर कर दिया है, अभी तीसरा पप्पी डिलीवर होने वाला, देखते हैं मेल आता है फीमेल आता है। वेट ही कर सकते हैं, वेट से ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। पप्पी आ गया, पप्पी को हम डिलीवर करते हैं ना। छोटो बेटा ये लो जी, आप सभी को करना क्या है, ओए राय मुँह की तरफ से थैली फाड़नी है, बच्चा साफ करके फिर आपको दिखाते हैं। ओए पहले फीमेल को अंदर कर देते हैं, अगर जो आपको ऐसा लग रहा है ये 1-2 ही थैली फीमेल को खाने देनी है आपने, आओ अंदर आओ, चलो चलो चलो।
ये लो जी बच्चा आ गया है। बच्चे को कर लेते हैं साफ, ऐसे पूरा बच्चे को साफ करना है। और ये फीमेल पप्पी है और बच्चे को अब हम साफ कर लेते हैं। वही यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के आपने थ्रेड बांधना है और थ्रेड बांध के इसको काट देना है। और ये चीज़ ज़रूर याद रखा करो, बच्चे के आते ही बच्चे को ऐसे साफ कर लिया करो ताकि जो भी मुंह में पानी वगैरह है वो साफ़ हो जाए। चलो इस बच्चे को साफ करके फिर वही प्रोसेस शहद चटा के और माँ के दूध पे लगाएंगे। अब तीनों बच्चों को हमने मदर फीडिंग पे लगा दिया है। इस बच्चे का पहले पेट भर चुका है, बाकी ये सेकंड नंबर का पप्पी है, ये थर्ड नंबर का फीमेल पप्पी है। बाकी देखते हैं फीमेल और पप्पी कितना डिलीवर करती है। बैठे हुए वेट में, लगभग सुबह का 3:30-4 का टाइम हो गया। ना हमारी सो रही है, करते हैं वेट कितने पप्पी और डिलीवर करती है फीमेल। और आप भी वीडियो में बने रहे और साथ के साथ वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी शेयर करें। और जिसको भी पप्पी चाहिए वो मेरे को फील फ्री कांटेक्ट कर सकता है, जब मर्जी मेल फीमेल पप्पी। जिस भाई को चाहिए वो अपना बुक कर ले, आपको 35 डेज़ पर फर्स्ट वैक्सीन के बाद पप्पी मिल जाएगा। और अब ऐला की फोर्थ फीटर डिलीवर करने की तैयारी है। तीन बच्चे थे, हमने आधे घंटे के बाद दोबारा फिर दूध पे लगाया बच्चों को मदर फीडिंग पे। उसके बाद फिर मैंने जब दोबारा से पुश करना स्टार्ट किया तो हमने पप्पीज को दोबारा से बॉक्स पे कर दिया और फीमेल दोबारा से पुश करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब 3 से 4 पप्पी डिलीवर, 3 पप्पी डिलीवर हो गया, फोर्थ पप्पी डिलीवर होना, उसके बाद हम फीमेल को थोड़ा सा मीठा दूध देंगे, थोड़ा मीठा और थोड़ा सा बॉइल्ड करके। ज़्यादा ठंडा भी दूध मत देना, थोड़ा हल्का सा गर्म होना चाहिए जिससे डिलीवरी करने में फीमेल के अंदर थोड़ा एनर्जी भी आए मीठे दूध से और उसको आगे डिलीवरी करने में आसानी रहे। तो सब बने रहना वीडियो में, दिखाते हैं आपको कि कौन फीटस क्या डिलीवर होता है, मेल डिलीवर होता है, फीमेल डिलीवर होता है। और ये आ गया हमारी ऐला के लिए दूध, जो कि हमने मीठा किया हुआ दूध को, और हम इसको थोड़ा रखेंगे ताकि फीमेल इसको पिए और दोबारा फिर एनर्जी से पप्पी को डिलीवर करे। अब इसका मूड भी है पीने का लगता है, फोर्थ पप्पी डिलीवर करके ही दूध पिएगी फीमेल। चलो वेट करते हैं, बैठ जाते हैं आराम से साइड में। दूध फीमेल ने दूध पीना स्टार्ट कर दिया, बहुत बेस्ट रहता है कि फीमेल आपकी 3-4 बच्चे देने के बाद थोड़ा सा मीठा दूध पी ले तो उससे दोबारा भी फीमेल में एनर्जी आ जाती है। और मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि 2 या 3 बच्चे देने के बाद जब भी आपकी फीमेल ना पिए तो 4 बच्चे देने के बाद रखते रहो। अभी आपने हमने 3 बच्चे दिए हैं, पहले हमने स्टार्ट के रखा, शायद थोड़ा दूध गर्म था इस वजह से पी नहीं पाई। जब अब थोड़ा सा इन्हें लायक हुआ है तो इसने पीना स्टार्ट कर दिया और इसके अब लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर फीमेल पप्पी डिलीवर कर देगी। अब जो हम वेट करते रहेंगे जैसा भी रहेगा और आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे। लो जी आना ने 4 पप्पी को डिलीवर कर दिया है, जिसमें कि 3 मेल पप्पी हैं और 1 फीमेल पप्पी है। और बच्चों को मदर फीडिंग पर लगाया हुआ है जिससे कि फीमेल जल्दी डिलीवरी करे, क्योंकि मदर फीडिंग से जितना बच्चे शक करते हैं फीमेल के अंदर ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जिससे अंदर से ऑटोमेटिक पप्पी पुश होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वेट करते हैं कि नेक्स्ट फीटस कितनी देर में आता है। लो जी जैसा कि मैं हर एक वीडियो में दिखाता हूँ कि जिस दिन अपने घर लीटर होता है उस दिन बारिश ज़रूर होती है, कहना है मौसम हसीन है और वाह क्या सीन है ना।
रात से सोच रहे थे कि बारिश होगी जरूर, अगर जो अपने घर लीटर हो रहा है तो बहुत ही शानदार मौसम है अपने कैनल का। और ये मोहित सभी को अंदर कर दिया हमने। ये लो जी, हमने एक और फीमेल पप्पी को डिलीवर किया है। अब हमारे पास 5 पप्पी आ चुके हैं, जिसमें कि 2 फीमेल हैं, ये दोनों फीमेल हैं और बाकी 3 मेल हैं। बच्चे अभी और होने हैं, वेट करेंगे कि कितने फीटस और डिलीवर करती है फीमेल जी। और ये हमारी आना ने 6 पप्पी डिलीवर कर दिए हैं, जिसमें कि 4 मेल और 2 फीमेल हैं। ये मेल पप्पी बहुत ही 5 घंटे के बाद डिलीवर किया, फीमेल ने 5 घंटे के बाद डिलीवर किया है। और इसी के साथ करते हैं हम वीडियो को एंड, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। और आप ऐसे ही वीडियो हमारी कंटिन्यूस में कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू में आती रहेगी। थैंक यू। और